हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस निर्मला ब्लॉग में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो ये बना रही हूँ मैं धारी वाली तोरई, ये बहुत अच्छी लगती हैं खाने में। ये मेरा सुबह सुबह का टाइम हो रहा था और मैं जल्दी जल्दी खाना बनाने में लगी हुई थी। तो ये मैं इनको धुल के ले आई थी, तो ये धुल के मैं इन्हें काट लेती हूँ। और मैंने बिटिया के लिए बनाए थे नमकीन जवे, तो वो स्कूल के लिए तैयार हो रही थी। तो मैं इन तोरई को बना लेती हूँ। तो इसमें डाल दिया था मैंने जीरा और फिर मिर्च, हरी मिर्च और प्याज। तो इनको मैं सिंपल ही बना रही हूँ, बहुत अच्छी लगती हैं सिंपल तोरी भी। तो फिर ये मैंने डाल दी है तोरी, तो इनको ऐसे ही थोड़ी देर फ्राई करेंगे। तो अब बारी आती है मसाले डालने की। तो मसाले में डाली है मैंने हल्दी, हल्दी के बाद डाला है नमक, मिर्च, धनिया, ये डाल दिए हैं और इनको हम चला देंगे। चलाने के बाद इनमें पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे, सिर्फ ऐसे ही इसको मसाले में ही रख देंगे। थोड़ी देर बाद ही ये बनकर तैयार हो जाएंगे। तो देखो कितनी अच्छी लग रही हैं, कितना पानी हो गया है। तो इनको खुले ही पकाएंगे थोड़ी देर। तो उधर मेरी चाय बन रही थी और मुझे जाना पड़ा था हॉस्पिटल, मेरी कई दिन से तबीयत ख़राब हो रही थी। तो ये हम हॉस्पिटल जा रहे हैं।
फ्रेंड्स ये मेरा दूध रखा था दो भगोनों में, दो में नहीं तीन में, इनको निकाल लेती हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, आपको पहले ही बताया ब्लॉग में, और मैं आज भी डॉक्टर्स के यहाँ से आई हूँ तो मेरा ब्लॉग भी नहीं बन पाया है। तो ये दूध की मलाई मैं इसमें निकाल लेती हूँ, इससे घी निकल जाता है अच्छी तरीके से। हम घर का ही घी खा लेते हैं, इतना हमारा चल जाता है, महीना हमारा अच्छे तरीके से पकड़ लेता है ये घी वाला। मैं डॉक्टर के यहाँ से आई हूँ, रास्ते में पड़ रही थी बहुत तेज बारिश, जो एक्स्ट्रा दूध है उसमें आ जाए, ऊपर से मैं मलाई निकाल लेती हूँ। इस वाले दूध की मैं चाय बना लेती हूँ अपने लिए, पिएगी देखिए, किसी का पीती नहीं है हमारी चाय। रितेश से पूछ, रितेश, ए रितेश, तो इसकी मैं चाय बना लेती हूँ थोड़े से दूध की। बस हॉस्पिटल से आई हूँ, एक मिनट की भी फुर्सत नहीं है घर में। कुछ भी काम नहीं हुआ मेरा आज हॉस्पिटल में, निकल गया सारा टाइम। और अपने शरीर को तो देखो टाइम देना ही पड़ता है, जब अपना शरीर नहीं ठीक होगा तो कुछ काम हो, काम तो फिर धरे के धरे ही रह जाएंगे। हेल्प करवाने वाले वैसे कोई है नहीं, देखिए सही है। जूता लिया ही वहां से उठा के, तो यहाँ मेरा थोड़ा सा काम हो गया था और मैंने बना रखी थी चाय, आपके सामने रखी थी, तो मैं चाय भी पी लेती हूँ तो थोड़ी राहत मिल जाएगी, तो ये मैं चाय पी लेती हूँ बाहर।
कभी कभी बाहर भी अच्छा लगता है। इधर मैं चाय पी रही हूँ, इधर हमारी कैंडी है, देखो क्या उड़दंग मचा रही है वो। कैंडी को भी दे देती हूँ एक ब्रेड में, वो कैंडी भी खा लेगी। तो फ्रेंड्स, मेरे ब्लॉग थोड़े से भी अच्छे लगते हो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। प्लीज़ एक दूसरे का ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू, बाय बाय।